नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, 2021 राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई विदेश जाने के लिए कर रहा है। मैं दो सीरीज कर रहा हूं जिसमें मैं 2021 में आपकी जन्म राशि के अनुसार व्हाट्स योर राशि ये तो बता दो ना। चाहे आप इसको आर्ट बुलाएं या साइंस, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही आम बात है पूरे इंडिया में, और ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होना चाहिए। हम में से कई इंडियंस बहुत सुपरस्टिशियस है और हम एस्ट्रोलॉजी को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि यंग इंडियंस जो यूजुअली ज्यादा साइंटिफिक या फिर रैशनल माने जाते हैं, वो अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। जैसे अनीश चौधरी जो बस 23 साल के हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके जोडियक साइन ने बताया कि उस दिन उनको ज़्यादा वर्क प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, और सेम ही दिन उनको ऑफिस में देर रात तक काम करना पड़ा एक क्लाइंट क्राइसिस की वजह से। अपने जोडियक साइन को पढ़ने के अलावा वो आज तक एक पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम को भी फॉलो करते थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे। और अनीश कोई अकेले यंग एडल्ट नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक 2019 सर्वे के हिसाब से जो यूएस में यंग एडल्ट्स के बीच हुआ था, 75% मिलेनियल्स एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और 65% रेगुलरली अपने हॉरोस्कोप चेक करते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये इंडिया का डेटा नहीं है बल्कि यूएस का डेटा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बारे में हमें डेटा मिला नहीं, इसलिए हम क्वालिटेटिव इंसाइट्स पर ही निर्भर करेंगे इंडिया के बारे में एनालिसिस करने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी अब एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बिजनेस बन गया है। जैसे यूएस में अमेरिकन $2 बिलियन से ज्यादा स्पेंड करते हैं ऐसी चीजों पर, और कई इन्वेस्टर्स अब एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस पर पैसे भी डाल रहे हैं। यंग लोग एस्ट्रोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने कई लाइफ क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी स्टार्टअप के साथ क्या होगा, मेरी लव लाइफ में क्या होगा, और मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। और ऑनेस्टली ये मैंने अपने आसपास भी देखा है, यहाँ कई यंग लोग जो मेरी उम्र के वो एस्ट्रोलॉजी एप्स या फिर सर्विसेज में रिलाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके एक्चुअली 3 कारण है। पहला कारण है स्ट्रेस। अमेरिकन साइकोलॉजिकल सर्वे डेटा के हिसाब से 2014 से मिलेनियल्स सबसे स्ट्रेस जनरेशन में से एक है। जिनको नहीं पता, मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए थे। जैसे रांची में एक यंग अडल्ट के सर्वे के हिसाब से 5 में से 1 यंग अडल्ट को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस है। जॉब्स, एजुकेशन और रिलेशनशिप का जो प्रेशर है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है यंग अडल्ट पर, और इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। जैसे यंग अडल्ट की डेथ का सबसे कॉमन कारण इंडिया में है सुइसाइड। और जब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो कई लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और ये हम ज्योत्सना शर्मा की स्टोरी से भी देख सकते हैं जो नोएडा में रहती हैं और COVID-19 क्राइसिस के दौरान बहुत चिंतित थी अपनी जॉब के बारे में। और शायद यही एक कारण है कि अपने अच्छे टाइम के दौरान लोग एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते। दूसरा कारण है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब कि हमें पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, और ये हम ज्योत्सना के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं जो स्ट्रेस इसलिए थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनकी जॉब को खतरा है या नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से हजारों सालों से हम ह्यूमंस में एक टेंडेंसी है कि हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। इसलिए हमें एस्ट्रोलॉजी इतनी पसंद है क्योंकि वो हमें भविष्य के बारे में बताती है। जैसे श्वेता जैन जो बस 28 साल की हैं, वो कहती है कि वो अपना हॉरोस्कोप इसलिए पढ़ना चाहती हैं ये जानने के लिए कि उनके दिन में होगा क्या। और यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी की तरफ अब ज्यादा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन में जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के हिसाब से 38% यंग लोग बहुत अनसर्टेन है अपने फ्यूचर के बारे में COVID-19 क्राइसिस की वजह से। तीसरा कारण है इंटरनेट। जैसे हमने बताया था कि पहले या तो एस्ट्रोलॉजी किसी अखबार में पाई जाती थी या फिर किसी के पास फिजिकली जाकर, पर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ये सब चेंज कर दिया है। एप्पल के ऐप स्टोर में 200 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी एप्स हैं। फिर एस्ट्रोबॉडी ऐप के को फाउंडर ने बताया कि कोविड के दौरान उनके क्लाइंट्स 25% तक बढ़े हैं, और ये सिलसिला एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन के बाद स्टार्ट हुआ था। और ये जो इंटरनेट और एस्ट्रोलॉजी में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, ये एस्ट्रोलॉजी मीम्स में भी देखा जा सकता है। और ये मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी बस एक ही तरीका है अपनी अनसर्टेनिटी या फिर स्ट्रेस सॉल्व करने के लिए। इसके कई फॉर्म्स भी हैं, जैसे टैरो कार्ड्स, क्रिस्टल बॉल्स, पाम रीडिंग, जो इक्वली पॉपुलर हो रही है यंग एडल्ट्स के बीच। तो हमने ये समझ लिया कि यंग लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रहे हैं, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और इंटरनेट की वजह से। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करती है।
अब सबसे कॉमन कारण है कि एस्ट्रोलॉजी अनसर्टेनिटी को हटाती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब हमारी जिंदगी में लक और रैंडमनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है हमारी दुनिया में। जैसे किसने सोचा था कि COVID-19 होगा और पूरी दुनिया बदल जाएगी, पर इस रैंडम लक को हम पसंद नहीं करते। हम ये नहीं पसंद करते कि हमें हमारी दुनिया के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये रैंडमनेस को हटा सकती है। 2.6 million jobs were cut from the economy last year. That's the greatest decline since 1945. जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कई लोग जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी जो सेविंग्स थी वो सडनली गायब हो गई थी। इसीलिए कई लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे और ये पूछ रहे थे कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा था, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। तो जब आप मान लीजिए एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, कई बार उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, वो बस रैंडम है, पर हमें ये नहीं पसंद। तो जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर शायद हमें ये बोल सकता है कि आपका शनि बहुत बुरी दिशा में है, जिससे हमारी जिंदगी के आसपास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमें पसंद है। दूसरा है कि एस्ट्रोलॉजी हमें यही नहीं बताता कि हम एक बुरे वक्त से क्यों गुजर रहे हैं, बल्कि हमें एक मौका भी देता है किसी और चीज पर दोष डालने के लिए। और केमद्रुम योग को अगर ज्योतिष की दुनिया के सबसे निगेटिव योग में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति के मन को खराब कर देता है, व्यक्ति को मानसिक पीड़ा भी देता है और व्यक्ति को घनघोर दरिद्रता भी प्रदान करता है। जैसे रिसर्च ने दिखाया कि जब हमारी जॉब चली जाती है, हमारे स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है या फिर हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हम बेटर फील करते हैं जब एस्ट्रोलॉजर हमें ये बताता है कि ये एक्चुअली कुछ तारे या फिर प्लैनेट्स की वजह से हुआ था। तीसरा है कि एस्ट्रोलॉजी हमें कॉन्फिडेंस देती है। एस्ट्रोलॉजी एक आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह है, जो आपको कंटिन्यूसली बोलता रहता है कि मोहक, डोंट वरी, अभी आप अपने प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, पर आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव होगा। शुक्र और मंगल ये दो की प्लैनेट बनेंगे, जिससे मानव योग और रोचक योग आपके सपनों को साकार करने आ रहे हैं। 4-4 ग्रहों के राजयोग। वैसे आप में से कितने लोगों ने हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर में एक सीन होता है जब हैरी एक क्विडिच मैच के पहले रॉन को एक लक पोशन देता है, और इसको जो भी पीता है वो कुछ टाइम के लिए लकी हो जाता है। रॉन जो गेम के पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, वो सडनली बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर बाद में उसको ये पता चलता है कि हैरी ने कभी उसको लक पोशन दिया ही नहीं था, रॉन को बस लगा था कि उसको एक लक पोशन मिला। और इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। इस रिसर्च में कुछ स्टूडेंट्स को एक एग्जाम के पहले एक अच्छा हॉरोस्कोप दिखाया गया, यानी कि उनको बताया गया कि उनका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, और कुछ स्टूडेंट्स को एक नेगेटिव हॉरोस्कोप बताया गया, यानी कि उनका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं होने वाला है। और रिसर्च ने पाया कि जिन स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव हॉरोस्कोप दिया गया था, उनके मैथ्स के टेस्ट में स्कोर एक्चुअली बढ़ गया। तो एक्चुअली आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस आपको बोला जा रहा है कि आपका फ्यूचर पॉजिटिव होगा, जिससे आप बेटर फील करते हो, जिसको साइंस में एक प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये हमने एक पिछले एग्जांपल में भी देखा था ज्योत्सना के बारे में। उन्होंने ये कहा कि अपनी जॉब के बारे में जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गई, वो इतना विश्वास नहीं करती थी एस्ट्रोलॉजी में, पर अपना पॉजिटिव हॉरोस्कोप सुनने के बाद उनको अच्छा लगा। और ये हम में से कई यंग लोगों के साथ हो भी सकता है, क्योंकि हम साइंटिफिक हैं और रैशनल हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास भी नहीं करना चाहते, पर हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर कोई पॉजिटिव हॉरोस्कोप आता है तो हम उसको पढ़ना भी चाहते हैं। और कई एस्ट्रोलॉजी ऐप्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज कर रही है हम जैसे लोगों को टारगेट करने के लिए। जैसे को स्टार सबसे पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी ऐप है वर्ल्ड की, और वो अपने आप को मार्केट कैसे कर रही है, ये बोल के कि वो नासा का डेटा यूज करती है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को अपील कर रहे हैं जो साइंस में विश्वास करते हैं और नासा को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मानते हैं, पर जो माइंड नहीं करेंगे एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए। अब जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी का एक प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स स्कोर इंक्रीज हो गया एक पॉजिटिव हॉरोस्कोप की वजह से, पर इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कई बार लोग ऑलमोस्ट ऑब्सेस हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप से। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेचल एंड्रू ने बताया कि कई बार लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो 5-6 बार अपना हॉरोस्कोप पढ़ने लग जाते हैं हर दिन। जैसे अनीता ने बताया कि जब तक उनको एक पॉजिटिव हॉरोस्कोप नहीं मिलता था, वो और डिप्रेस हो जाती। और एस्ट्रोलॉजी पर ज्यादा विश्वास करने से एक और इश्यू हो सकता है, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि लोग सडनली ये विश्वास करने लग जाते हैं कि उनकी जिंदगी बस एक्सटर्नल चीजों पर ही निर्भर करती है और उनका कुछ कंट्रोल नहीं है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है।
अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जैसे हमने देखा है, एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, आपका स्ट्रेस कम कर सकती है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकती है, पर एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना भी डेंजरस हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? आप तीन चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। पहला, हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ पर हमारा 100% कंट्रोल कभी भी नहीं होगा और फ्यूचर हर बार अनसर्टेन ही रहेगा, जहां हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। दूसरा, कि एस्ट्रोलॉजी स्ट्रेस को कम कर सकती है, पर एस्ट्रोलॉजी का अकेला कारण नहीं है जो डिप्रेशन और स्ट्रेस को काउंटर कर सकती है। इनफैक्ट इसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे थेरेपी। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा फील्ड है और उधर कई प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, या फिर किसी भी इशू के बारे में जिससे आप डिप्रेस्ड हैं। और कुछ कॉमन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जिसको आप रेफर कर सकते हैं। और फाइनली, सबसे कॉमन कारण हमारी जनरेशन में स्ट्रेस के पीछे है हमारा काम या फिर जॉब। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप्स में अब कई कस्टमर्स करियर रिलेटेड सवाल पूछते हैं, पर एस्ट्रोलॉजर की बजाय आप शायद इन क्वेश्चंस को लेकर एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास जा सकते हैं या फिर किसी मेंटोर के पास जा सकते हैं जो आपकी मदद करे प्रोफेशनल क्वेरीज के बारे में। और एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके हम इन कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और होपफुली उससे हम एस्ट्रोलॉजी से पॉजिटिव चीज़ें ले पाएंगे जैसे कॉन्फिडेंस, और ना कि नेगेटिव चीज़ें जैसे डिप्रेशन।